निर्भया गैंगरेप मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। फांसी की सजा पाने वाले चारों दोषियों के परिजनों ने अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। इच्छा मृत्यु मांगने वालों में दोषियों के बुजुर्ग, माता पिता, भाई बहन और उनके बच्चे शामिल है। निर्भया के दोषियों के परिजनों ने हिंदी में राष्ट्रपति को लिखे पत्र में कहा है कि हम देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीड़िता के माता पिता से अनुरोध करते हैं कि वे हमारे अनुरोध को स्वीकार करें और हमें इच्छा मृत्यु की अनुमति दें। उन्होंने कहा कि हमें इच्छा मृत्यु देने से भविष्य में होने वाले किसी भी अपराध को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पूरे परिवार को इच्छा मृत्यु दी जाती है तो निर्भया जैसी दूसरी घटना को होने से रोका जा सकता है। दोषियों के परिजनों ने कहा कि ऐसा कोई पाप नहीं है जिसे माफ नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पहले ही देश के महापापियों को माफ किया जा सकता है। बदले की परिभाषा शक्ति नहीं है, क्षमा करने की सबसे बड़ी शक्ति का उदाहरण है। गौरतलब है कि निर्भया के सभी दोषियों विनय शर्मा, अक्षय सिंह ठाकुर, पवन गुप्ता और मुकेश को 20 मार्च को सुबह 5:30 बजे फांसी दी जानी है। निर्भया के चारों दोषियों ने अपनी फांसी की सजा माफ कराने के लिए दया याचिका राष्ट्रपति के पास भेजी थी, जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खारिज कर चुके हैं। हालांकि दोषी अक्षय सिंह ठाकुर ने नई दया याचिका दाखिल की है, जिसमें उसने कहा है कि राष्ट्रपति ने जो पुरानी दया याचिका दाखिल की थी उसमें सारे फैक्ट मौजूद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.